हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट कंप्यूटर स्टोरेज एंड मेमोरी डिवाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर कंप्यूटर अवेयरनेस। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट यू हैव टू नो डेटा एंड इंफॉर्मेशन। व्हाट इज डेटा एंड व्हाट इज इंफॉर्मेशन? सो इन योर डेली लाइफ यू कम अक्रॉस ए लॉट ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, इमेजेस एटसेट्रा। दीज आर कॉल्ड डेटा। You can say that a collection of raw and unorganized fact, raw or unorganized fact है, उसको आप data कह सकते हो। मान लीजिए B, Y, O, ये क्या है, ये सब हो गया आपका data। लेकिन यही data को आप अगर ठीक से present करते हो तो आपका हो गया boy, meaningful। तो देखिए यहाँ पर लिखा है, when you organize the data and provide a specific context, it can be called as information। तो B, Y, O हो गया आपका data, और आप अगर arrange करके meaningful एक word करते हो तो ये हो गया आपका information। So ये है raw facts और unorganized fact data, लेकिन informations क्या है? Informations आपका organized fact है और data को लेके आपको informations होता है। नेक्स्ट क्या है आपका? मेमोरी के बारे में देखिए, द डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस दैट आर एंटर्ड इनटू कंप्यूटर यूजिंग इनपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस आपका बहुत सारा हो सकता है। मान लीजिए एक इनपुट डिवाइस आपका है कीबोर्ड। तो यहाँ से क्या कर सकते हो, आप इनपुट दे सकते हो, आर टू बी स्टोर्ड इनसाइड द मेमोरी। तो आपने जो इनपुट दिया है थ्रू कीबोर्ड से, ये कहीं पे स्टोर करना बहुत ज़रूरी है। दिस इज कॉल्ड मेमोरी। तो द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन दैट आर एंटर्ड इनटू कंप्यूटर यूजिंग इनपुट डिवाइसेस आर टू बी स्टोर्ड इनसाइड द मेमोरी। दो टाइप के मेमोरी है, एक है आपका प्राइमरी मेमोरी, एक है सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी के बारे में जानते हैं। प्राइमरी मेमोरी क्या है? दिस इज द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। सीपीयू कैन डायरेक्टली एक्सेस दिस मेमोरी। ये सीपीयू अगर है तो ये डायरेक्ट प्राइमरी मेमोरी को डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है। ये है इसका मेन एडवांटेज। इट इज फिक्स्ड ऑन द मदरबोर्ड ऑफ द कंप्यूटर। तो ये मदरबोर्ड कंप्यूटर में फिक्स्ड है, इसलिए क्या है, ये ज़्यादा कॉस्टली है। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, रैंडम एक्सेस मेमोरी दैट इज रैम एंड रीड ओनली मेमोरी दैट इज रॉम। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या है? रैम। रैम इज ए टेम्पोररी मेमोरी। The information stored in this RAM is lost when the computer is turned off. तो computer जैसे आप बंद करते हो, इसका memory जो होता है random access memory, इसका जो data और information जो भी है होता है तो lost हो जाता है। तो data नहीं, information कहना सही रहेगा। ठीक है, data और information के बारे में मैंने बता दिया। तो information आप कहिए, the information stored in this memory is lost when the computer is turned off. That's why it is called volatile memory. तो RAM क्या है? RAM volatile memory है। ठीक है, it stores data and instructions given by the user and also the result produced by the computer temporarily. ठीक है, ये RAM का diagram है। RAM कैसे दिखता है आप देख सकते हैं। Area अगर देखेंगे ये बहुत छोटा होता है, लेकिन इसका जो यहाँ से इस पॉइंट तक ये बहुत लॉन्ग आपका होता है। तो उसके बाद देखिए टाइप्स ऑफ रैम के बारे में। तो डायनेमिक रैम दैट इज द डी रैम, इट रिक्वायर्स कंटिन्यूस पावर टू रिफ्रेश द डेटा स्टोर। जो भी डेटा स्टोर हुआ है उसको रिफ्रेश करने के लिए आपको क्या चाहिए? कंटिन्यूस पावर चाहिए। ठीक है, स्टैटिक रैम में क्या है? स्टैटिक रैम में इट ऑल्सो रिक्वायर कॉन्स्टेंट पावर। दोनों में कॉन्स्टेंट पावर चाहिए टू होल्ड ऑन टू डेटा, बट इट डज नॉट नीड टू बी कंटिन्यूअली रिफ्रेश द वे डी रैम डज। मतलब डी रैम में रिफ्रेश करना डाटा बहुत ज़रूरी है, लेकिन एस रैम में रिफ्रेश करने का ज़रूरत नहीं है। हाउएवर एस रैम इज सिग्निफिकेंटली फास्टर। अगर स्पीड का बात करेंगे तो एस रैम क्या है? एस रैम फास्ट है कंपेयर टू डी रैम। और एस रैम क्या होता है? यूजेस लेस पावर देन डी रैम। पावर का बात करेंगे तो एस रैम कम पावर यूज़ करता है, डी रैम ज़्यादा पावर यूज़ करता है। फिर आते हैं रैंडम रीड ओनली मेमोरी, रोम के बारे में। इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन रोम। देखिए इंफॉर्मेशन नहीं लिखा है, डेटा कहीं पे लिखा नहीं है। ठीक है,
तो इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन रोम इज परमानेंट इन नेचर। तो यहाँ पे क्या था, रैम में क्या था, परमानेंट नहीं था, टेम्पोररी था, लेकिन रोम में आपका क्या है, परमानेंट इन नेचर है। इट होल्ड्स द डेटा इवन इफ द सिस्टम इज स्विच्ड ऑफ, कंप्यूटर बंद हो जाएगा फिर भी आपका डेटा जो है स्टोर रहेगा, डेटा नहीं बार बार डेटा निकल रहा है, इंफॉर्मेशन आपका स्टोर रहेगा। इट होल्ड्स द स्टार्टिंग इंस्ट्रक्शन दैट आर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट ए कंप्यूटर, इट इज ऑल्सो कॉल्ड नॉन वोलेटाइल मेमोरी। तो दिखने में ऐसा है रोम का। सो फ्रेंड, दिस इज द प्राइमरी मेमोरी। Next video, I will discuss about the secondary memory. Hope you like the video, and if you like the video, then don't forget to subscribe my channel, like, share, and comment. Thank you.